एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल रियल सर्स एजुकेशन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न लेसन नंबर 10, थ्री सैक्स ऑफ राइस फॉर फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 नंबर, थ्री सैक्स ऑफ राइस, चावल की भरी हुई तीन बोरियां। You may have read many stories about three brothers. आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें तीन भाई थे। Usually two of them, उसमें से दो, the elder one are strong, clever but unkind. जो बड़ा होता था वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही चालाक, लेकिन वो दयालु नहीं होता था। They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. तो जो छोटे वाले के ऊपर वो लोग हंसते थे क्योंकि वो बहुत ही साधारण और बहुत ही नर्म दिल का था। Our story also has three brothers who lived in a small town, but they were all three of them honest, kind and hard-working. तो इस कहानी में भी हम तीन भाइयों की कहानी देखेंगे जो कि एक छोटे से कस्बे में रहते थे और तीनों ही ईमानदार, दयालु और कठोर कठिन मेहनत करने वाले बच्चे थे। द एल्डर वन रैन ऑन शॉप, द मिडिल वन वॉज द प्रिस्ट एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन। तो जो बड़ा वाला था एल्डर, वो दुकान पे काम करता था और जो बीच वाला था वो प्रिस्ट, और जो छोटा वाला था वो अभी बस अपना पढ़ाई जस्ट अभी अपना ख़त्म किया था। ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप odd jobs to earn some money and learn a trade. तो वो हमेशा कुछ कठिन कार्य खोजता था ताकि वो कुछ पैसा एकत्रित कर सके और कुछ व्यापार सीख सके। All three of them were fond of their mother. She had worked hard to bring up three of them after sudden death of their father. तो उसकी, उन तीनों की जो माँ थी वो बहुत ही कठोर मेहनत करके अपने, उसके पिता के मृत्यु के बाद बहुत ही कठिन काम करके उसने तीनों बच्चों को पाला पोसा था। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर, ही सेड, सिस्टर यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रॉस्परस बिजनेस। एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता के कोई दोस्त थे उसके घर पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि बहन जी, मेरे पास एक बहुत ही नायाब व्यापार का तरीका है, बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड, लेकिन अब मैं वृद्ध बुढ़ा हो गया हूँ, एंड माय ओनली डॉटर इज़ ऑफ अ मैरिजेबल एज, और उसकी, मेरी जो एक बेटी है उसका एक ही बेटी है और वो शादी की उम्र की हो गई है। आई एम लुकिंग फॉर सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल, आई लाइक ऑल योर सन। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा जमाता ढूंढ रहा हूँ जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा, मेरी बेटी के लिए अच्छा पति साबित हो और जो मेरे सारे व्यापार को, बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से देख सके। मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा है और मुझे वो तुम्हारे सारे बच्चे पसंद है। इफ़ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान। उसने कहा कि अगर आप परमिशन दे तो मैं उनका विवाह अपनी बेटी से कराना चाहूँगा,
लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लान, एक नायाब तरीका है। ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडली। तो दोनों में उस प्लान के विषय में चर्चा हुआ और अंत में वो मदर तैयार हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ थ्री ब्रदर्स वन बाय वन। ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड, माय डियर बॉय, आई एम गोइंग अवे फॉर फ्यू मंथ फॉर सम नेसेसरी वर्क। प्लीज लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो उसका जो पिता का मित्र था वो चला गया और तीनों भाई एक एक करके बैठ गए। उन तीनों को उसने क्या किया कि एक एक गोनी भर के चावल का दे दिया और कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, तब तक आपको क्या करना है, इन चावल की बोरियों को जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक ध्यान से रखना है। द फ्रेंड्स वेंट अवे, मैनी मंथ पास्ड बट ही डिड नॉट रिटर्न। और वो उसका मित्र चला गया, उसके पिता का, और बहुत महीने गुजर गए लेकिन वो आया ही नहीं। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही कैम बैक, और लगभग वो एक वर्ष के बाद वापस आया। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट, सबसे पहले वो एकदम बड़े वाले भाई के पास गया। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड हैव अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। अंकल, यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी, आफ्टर फ्यू मंथ आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, देयरफॉर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर, हियर्स द मनी आई गॉट, प्लीज एक्सेप्ट इस। तो उसने क्या कहा कि मैं उसका जो, उसने अच्छे से उसका वेलकम किया, उसका जो पर्स था वो पूरा पैसे से भर गया। उसने कहा कि अंकल, चाचा जी, कि क्या हुआ, मुझे लगा कि ये अनाज ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने उसको एक ग्राहक को बेच दिया। अब आप इस पैसे को ले लीजिए। थैंक यू माय बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ आप चित्र में देखेंगे तो उसने क्या कहा, उसको वेलकम किया और कहा कि आप तो सच में ईमानदार हो। नेक्स्ट पेज नंबर 23 के बाद 24 पेज नंबर देखते हैं। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर, फिर वो जो बीच वाले भाई के पास गया, हु वॉज अ प्रेस्ट। द प्रिस्ट ग्रीटेड हिम विथ अ जॉय एंड अफेक्शन। ही सैड, अंकल, रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी एन ईयर एगो, आई हैड केप्ट इट फॉर मैनी मंथ बट देन आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्प्लट, आई डिस्टर्ब द राइस एमंग द पुअर इन योर नेम, दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर, हाउ एवर आई डिड दैट विदाउट योर परमिशन एंड आई एम विलिंग टू पे यू बैक फॉर द राइस। तो वो जो बीच वाला था वो पंडित पुरोहित की तरह था वो, उसने क्या किया, कहा कि मैंने आपका जो दिया हुआ चावल का घोनी था
उसको मैंने आपके नाम से गरीबों में बंटवा दिया और उनकी भूख शांत कर दिया आपके नाम से, वो आपको दुआएं देंगे। नो माय बॉय, यू एक्टेड वाइसली एंड काइंडली। द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, जो तुमने किया वो अच्छा काम किया और मुझे तो ब्लेसिंग मिलेगी ही। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। तो तुम पैसे के बारे में कुछ भी सोचो मत। व्हेन द फ्रेंड्स वेंट टू विजिट द यंगेस्ट सन, और लास्ट में उसका उसके पिता का मित्र सबसे छोटे बेटे के पास जब गया, ही टू वेलकम्ड हिम लव एंड रिस्पेक्ट। उसने भी बहुत ही आदर सत्कार से बुलाया। बट ही सैड दैट ही हैड कन्फेशन टू मेक। द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देन आई हैड एन आइडिया। उसने कहा कि मेरे पास तो ये काफ़ी टाइम से ये काफ़ी समय से ये चावल था, तो मैंने कुछ एक युक्ति सोची। आई ऑफन गो टू नेबरिंग फ्रॉम फार्म टू हेल्प विथ वर्क। आई बोरोड एन अनयूज प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर। आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड शॉट द पैडी इन अ प्लॉट। फॉर्चुनेटली द क्रॉप grow well and yielded 25 sacks of rice I have kept back of the sacks and sold 20 of them. Here the money. If you allow, I would like to keep a part of as my share, considering the labor as money I spent to get it all done. तो उसने क्या कहा, उसने तो जो सबसे छोटा वाला था उसने बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला। उसने क्या कहा कि मैंने ये किसानों को क्या किया कि ये जो ख़राब हो रहा था उसको खाद के लिए दे दिया, और उसके बाद मुझे उस चीज़ वो खाद वो फसल उगने के बाद उससे 25 गुनी मुझे चावल का मिल गया, और आई हैव kept back 5 ऑफ sacks sold 20 ऑफ them। तो उसमें से मैंने क्या किया, 5 रख लिया और 20 बेच दिया, और ये रही आपकी सब मनी। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इसका कुछ पार्ट उस जो मजदूर थे उनको देना चाहूँगा। अ वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन फ्रेंड्स फेस। He had found his future son-in-law। और उसके पिता के दोस्त के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता आ गई और वो जान गया कि मेरी बेटी के लिए यही सबसे अच्छा उसका हस्बैंड, उसका पति होगा। So that much for this lecture. In next lecture we will see things to do for this lesson. Till then, goodbye, take care.